So hello viewers, welcome back to our channel Accounts Be Easy. I hope you all are safe and fine at your home. So without wasting any time, let's get started. So our today's topic is what is outstanding expense and prepaid expense. It's a very doubtful topic. इसमें बहुत doubt होते हैं कि बहुत confusion होती है इसमें what outstanding क्या होता है, prepaid क्या होता है, ये कहाँ पे आते हैं, कौन से account के अंदर आते हैं. तो चलो इस वीडियो के अंदर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं. सो फर्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज ड्यू बट नॉट पेड. मीन्स वो ड्यू तो हो गया बट हमने अभी पे नहीं किया. लाइक आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. लाइक ड्यू तो हो गया मीन्स लाइक एक एम्प्लॉय उसने वर्क किया है होल मंथ. मतलब उसने पूरे मंथ उसने काम किया है और फिर सो उस एम्प्लॉय ने पूरे मंथ वर्क तो कर लिया बट हमने उसकी सैलरी जो है अभी पे नहीं की. उसकी सैलरी अभी पे नहीं की मीन्स ड्यू. मतलब उसने वर्क तो कर लिया बट हमने अभी पे नहीं की. ओके हमने एक एग्जांपल समझा, एक एम्प्लॉय है, उसने वर्क तो कर लिया पूरे होल मंथ बट हमने सैलरी पे नहीं की, तो वो होता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होता है वो हमारा कहाँ पे इफेक्ट करता है, कौन सा साइड इफेक्ट करता है. वो क्या हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, क्या वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, या फिर वो बैलेंस शीट के अंदर आता है. तो लेट्स सी वो हमारा कहाँ पे आता है. सो जो आउटस्टैंडिंग होता है वो हमारी एक, हम उसे एक लायबिलिटी मानेंगे बिकॉज हमें वो देना है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइक हमने अभी दिया नहीं है बट हमें जो ऑफिस का जो मतलब मैनेजर होगा, जो ऑफिस का मैनेजर होगा उसे वो सैलरी उस एम्प्लॉय को देनी पड़ेगी. अभी उसने दी नहीं बट उसे देनी तो पड़ेगी ना, तो वो हमारा एक एक्सपेंस होता है. ओके जो भी एक्सपेंस होता है तो हमारा लायबिलिटी साइड जाता है, वो हमारी लाइबिलिटी साइड रहता है. लाइबिलिटी हमारी किसमें होती है, बैलेंस शीट के अंदर होती है. सो बैलेंस शीट की टू साइड्स होती है, वन इज लाइबिलिटी एंड अनदर वन इज एसेट. सो हमारा ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जाता है. सो आई होप आपको क्लियर होगा ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में जाता है और ये हमारा एक एक्सपेंस होता है ड्यू बट नॉट पेड. जो हमने ड्यू तो हो गई बट हमने उसे पे नहीं किया. आई होप आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है. सो ये वाला भी आपको क्लियर हो गया. अब हम चलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, उसको भी इतने आसान तरीके से समझाएंगे, उसे भी आसान ना देंगे. सो गाइस हमारा सेकेंड वन है प्रीपेड एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, विच वी पेड इन एडवांस. जो भी खर्चे हम एडवांस में देते हैं, तो ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. लाइक हमें रेंट देना है, तो अगर हम वो रेंट, अगर हमें वन मंथ का रेंट देना है और हमने वो थ्री मंथ का दे दिया, हमें देना तो वन मंथ का था बट हमने थ्री मंथ का दे दिया. सो हमने एडवांस में दे दिया बिकॉज हमें तो वन मंथ का ही देना था बट हमने थ्री मंथ का दे दिया, तो हमने विच वे पेड इन एडवांस, हमने एडवांस में दे दिया, तो हमारा एडवांस में ही खर्चा हो गया बिकॉज हमें वो पहले हमें वो बाद में देना था थ्री मंथ का, हम नेक्स्ट मंथ देते फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ देते बट हमने वो पहले ही दे दिया, तो ये हमारे के लिए एक्सपेंस टाइप हो गया बिकॉज हमने ये पहले ही दे दिया. बट इससे क्या होता है, अगर हम वन मंथ का देना था हमने थ्री मंथ में दे दिया, तो ये एक तरीके से हम इसको अपना, ये एक तरीके से हमारा प्रॉफिट भी हो जाता है बिकॉज अगर हमने वन मंथ का भरना था हमने थ्री मंथ का भर दिया, तो आने वाले जो हमारे फ्यू मंथ्स हैं, मीन्स आने वाले हमारे टू मंथ्स हैं उसमें हमें रेंट पे नहीं करना पड़ेगा. सो इसे हम एसेट मानते हैं, इसे हम एक टाइप का एसेट मानते हैं. और एसेट्स जो होते हैं हमारे कहाँ पे आते हैं, वो हमारे आते हैं बैलेंस शीट. सो ये एक्सपेंस हमारा बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा. बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज होती है, एसेट होता है, तो जो हमारा आउटस्टैंडिंग होता है वो तो हमारा लाइबिलिटी में जाता है और जो हमारा
प्रीपेड होता है वो हमारा एसेट में जाता है, बिकॉज हमारे लिए एक एसेट होता है, हमें फ्यूचर में जाके वो रेंट नहीं देना पड़ेगा बिकॉज हमने तो एडवांस में दे दिया। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है होगा। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट आर क्लियर टू यू, एंड स्टिल यू हैव इन डाउट देन प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली गिव यू रिप्लाई। प्लीज इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच गाइज।